हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम लोग एजुकेशन के सभी अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे अन अकेडमी पे नीट यूजी के लिए फिजिक्स के और केमिस्ट्री के लेक्चर ले रहा हूँ। तो अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन करते हो या फिर अगर आप जेई के लिए भी प्रिपरेशन करते हो तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री सारे लेक्चर मेरे फ्री में लाइव मिल जाएंगे, ठीक है। जहाँ पर हम लोग MCQ का प्रैक्टिस करते हैं, हर संडे यहाँ पर नीट का कॉम्बैक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जहाँ पे आपको ये टेस्ट देना है और आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है टिल 4 करोड़, ठीक है। तो बहुत अच्छा स्कॉलरशिप ऑफर आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, आप ज़रूर ये स्कॉलरशिप दे सकते हो। आपको कोड यूज़ करना है omkar_96 एनरोल करने के लिए। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हो जयपुर से तो आप ज़रूर यहाँ पर अन अकेडमी स्टोर में जाके विजिट कर सकते हो। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी हो गया है और बाद में वहाँ पे आप एक्सपीरियंस ले सकते हो कैसे कैसे आपको करना है। ओके, बात करते हैं नीट के बच्चों के लिए जिनको ये साल देना है। तो नीट के लिए मैंडेटरी होता है आपको प्रीवियस ईयर के MCQ सॉल्व करना। यहाँ पे आपको सारे 15 साल के प्रीवियस ईयर के MCQ टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं, फ्री में जो है आप टेस्ट दे सकते हो। कोड यूज़ करना है omkar_96। वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं, एजुकेशन अपडेट कंप्लीट देखिएगा, अदरवाइज आपको नहीं समझेगा। वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है नीट UG रिलेटेड। जो भी नीट एग्ज़ाम का डेट आए, कोई भी नेट आए, सब बच्चे पोस्टपोन नीट UG, ये ट्रेंड ट्विटर पे चलाते ही है और ये साल भी वैसा ही हो रहा है। यहाँ पे 17 जुलाई को एग्ज़ाम डिक्लेयर करने के बाद बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ट्विटर पे बोल रहे हैं कि आप जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दो। हम लोग देखेंगे पूरा आर्टिकल क्या है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे CBSE के एग्ज़ाम की, तो मैथमेटिक्स का पेपर है 7 जून को, उसके बाद में जो है कंप्यूटर साइंस का पेपर 30 जून को है। तो सिर्फ एक महीना मिलता है पूरी तरीके से फुल फ्लेज में प्रिपरेशन करने के लिए, नीट UG का प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, और JEE का कैसा अटेम्प्ट है, लेकिन यहाँ पे नीट का सिंगल अटेम्प्ट है। तो सिंगल अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक करना ही पड़ेगा, अदरवाइज पूरा एक साल रुकना पड़ेगा, ये बच्चों का कहना है। साथ में यहाँ पे स्टूडेंट है दूसरा हर्ष गोयल करके, उसका भी यही कहना है कि 26 अप्रैल तक तो एग्ज़ाम है, उसके बाद सिर्फ एक महीना मिल रहा है पढ़ाई के लिए, तो ये जो है उनको और ज़्यादा टाइम चाहिए। इसीलिए सारे बच्चे मिलके नीट #postponeNEET UG2022 ये जो ट्रेंड है वो चला रहे हैं। देखते हैं अभी गवर्नमेंट क्या एक्शन लेता है, हम लोग चेक कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे ट्वीट्स भी है, एज इज देर इज ओनली फ्यू मंथ लेफ्ट, आई डिडंट गेट गवर्नमेंट सीट लास्ट ईयर, दिस इज़ माई पेरेंट अलाउ मी लास्ट अटेम्प्ट। ओके, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो वो लोग चाहते हैं कि और टाइम दे। लेकिन साथ ही में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि नीट UG का जो एग्ज़ाम है उसका प्रिपरेशन आपके 12th एग्ज़ाम के बाद नहीं होता, उसका प्रिपरेशन 11th से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, रिवीजन उसका 12th के बाद फुल फ्लेज में रिवीजन होता है, लेकिन एक महीना रिवीजन के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट भी सही है, और थोड़ा टाइम देना चाहिए। और गवर्नमेंट क्या एक्शन लेता है उसके लिए आप जो है चैनल पे बने रहिए, जैसा ही कोई ऑफिशियल अपडेट आता है गवर्नमेंट के तरफ से आपको मेरे तरफ से पूरा अपडेट मिल जाएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट करो। थैंक यू सो मच गाइज़।